देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी। हांसी को जिला बनाने की मांग को लेकर हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा धरना आज स्थानीय गुसाई गेट पर दिया गया। इससे पहले ये धरना बड़सी गेट, उमरा गेट व चार कुतुब गेट पर दिया जा चुका है। हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामनिवास फौजी ने बताया कि इस धरने के माध्यम से वो अपनी आवाज़ सरकार को सुनाना चाहते हैं कि हांसी एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये धरना हांसी के पांचों गेटों पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने हांसी ज़िला बनाने की मांग को लेकर धरने दिए गए। हांसी के पांच ऐतिहासिक गेट हैं जिनमें से ये आज गोसाई गेट है। इससे पहले हम बड़सी गेट, उमरा गेट, चार कुतुब गेट दे चुके हैं और आज चौथा हमारा गोसाई गेट पर चल रहा है। इसके बाद में दिल्ली गेट बचा हुआ है और उसके बाद हम दिल्ली गेट दे करके पूरे ऐतिहासिक गेटों पर दे करके हांसी की जनता को जागरूक करेंगे और आगे तक हम सरकार के पास पहुँचाएंगे कि हांसी की पुरानी ऐतिहासिक नगरी है, आज पिछड़ी हुई है, आज हमारा धरना चौथा साल चल रहा है। वहीं पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी ने कहा कि यदि मेरे वक्त में ये मांग उठाई जाती तो हांसी कब का जिला बन गया होता। उन्होंने कहा कि जिला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यदि सरकार चाहे तो ये काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब दादरी को जिला बनाया जा सकता है तो हांसी को क्यों नहीं। पूरा समर्थन करता हूँ, दिल से समर्थन करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि दादरी से भी पहले हांसी का हक बनता था, इसको बना देना चाहिए था, आज तक अब तो लेट हो रहे हैं बल्कि। और रही बात मेरे मंत्री बनने के समय की बात, उस वक़्त ये मांग ही नहीं थी, वरना तो मैं करवा के ही जाता, उस वक़्त जिला बनवा के जाता। उस वक़्त किसी ने कोई मांग नहीं की, ना कभी किसी ने कहा, और आज ये मांग उठी है। मैं इसमें पूरी तय दिल से साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बने। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार का यहाँ नुमाइंदा नहीं था जो कि पैरवी कर सके ठीक ढंग से, वरना जिला बनाना किसी पार्टी के लिए कोई या मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जो हांसी का जो एरिया है उससे भी छोटे हैं, तीन तीन विधानसभा के ऊपर जिले बने हुए हैं, कई जिले ऐसे हैं। तो हमारे हांसी में हांसी, नारनौंद और गुवाणीखेड़ा तीन ही लगा के बना दो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बरवाला की बात जहाँ तक है वो इतराज करते हैं, उसको छोड़ दो, गुवाणीखेड़ा को ले लो। तो ये जायज मांग है और बनने वाली है और कर देनी चाहिए। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।